अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर, और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के पचावली में दो सगी बहनों की गोली मार कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई है। इस दोहरे हत्याकांड से इटावा में सनसनी फैल गई है। वारदात को लेकर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और वारदात पर गंभीरता से पड़ताल करना शुरू कर दी है। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने मौके एवं वारदात पर यह बताया कि देर रात 2 या 3 बजे के आसपास गोलियों की आवाज सुनने के बाद जब तक लोग सही तरीके से जागते तब तक संदिग्ध माने जा रहे हत्यारे हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि हत्या के शिकार परिवार के सदस्यों की तरफ से जिस तरह की जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि हत्या की वारदात को जमीनी रंजिश के तहत अंजाम दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की अभी अपनी गहनता से पड़ताल जारी है। हत्या की शिकार हुई सगी बहनों के भाई संजय ने बताया कि उसको गांव के ही उमाशंकर और श्री कृष्ण पर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने का शक है। उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, तब से ही वह भयभीत बना हुआ था, लेकिन अब उसकी दो बहनों की हत्या के बाद उसको परिवार के अन्य सदस्यों की चिंता सता रही है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध हत्यारों की गोलियों की शिकार हुई लक्ष्मी उम्र 18 वर्ष और सुनीता उम्र 45 वर्ष है। हत्या की शिकार हुई दोनों रिश्ते में सगी बहनें हैं। सुनीता फिरोजाबाद जिले के पडीहम गांव में ब्याही हुई है, जो अपने मायके में एक धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आई हुई थी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना को लेकर गांव में कोहराम मचा हुआ है। आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटना शुरू हो गए हैं। दोनों मरने वाली महिलाएं लोधी बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, और जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया है उस इलाके में लोधी बिरादरी के दर्जनों गाँव हैं। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलने के बाद जहां फ्रेंड्स कॉलोनी थाने के इंस्पेक्टर अनिल कुमार मौके वारदात पर पहुंचे, तो वहीं स्थिति को देखते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी संजीव कुमार त्यागी को भी मौके वारदात पर भेजा गया। एसपी सिटी डॉक्टर रामयश सिंह भी दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी रात में ही अपनी पड़ताल करना मुनासिब समझा, लेकिन अभी फॉरेंसिक टीम के हाथों अभी कुछ भी अहम बिंदु नहीं लगे हैं। इटावा से कैमरामैन राहुल के साथ विनय पाल की रिपोर्ट। विगत रात्रि लगभग रात्रि में 2:30 बजे सूचना आई कि थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के पचावली गांव में दो सगी बहनों की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तत्काल अपनी टीम के साथ मौके का मुआयना किया गया। दोनों की डेड बॉडी को पंचायत नामावर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। जो इसके चार भाई मृतिका के चार भाई जो कि अपने ननिहाल में ही रहते हैं, इनका आरोप है कि पड़ोसियों ने ये घटना को अंजाम दिया है। उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटना का शीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा। सर क्या घटना हुई है? हम लोग पड़े थे रात में नीचे, सो रहे थे, आवाज गई तब हम लोग जागे। कैसी आवाज हुई? गोली। तो क्या रंजिश है? पुरानी रंजिश है? क्या मामला है? शाम को कुछ ऐसा बताया था आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया। जिस पे कोई शक हो सके आपका? सबके ही है। नहीं, कौन नाम बताइए उनके? आप डरते क्यों हो? आप नाम बताइए। आप बताइए ना नाम। उम्मीद परिवार है। नाम गुण का क्या है? ओमी संगी अनीतू अभूरी पन्नालाल। कितना पुराना ये आपका वो रंजिश चल रही थी?
बहुत पुरानी चल रही है, जब से यहाँ पे आए तब तो से। ये छत से आए या दरवाजे से? ये पता नहीं किसे आए। तो ये किसे गोली से किसे मारा है? ये गोली से, गोली मारी है। अच्छा, दो तीन बार तुझे घर पे मार चुके हैं। अच्छा, तो आपने कुछ पुलिस प्रशासन से कही है कि? हाँ, पहले करी थी। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, आए ऐसे शांत है। फिर दो तीन बार मेरी बहन को घेरा था, इन्हें हार में घेरा, इटावा भी घेरा। आपने वो दोबारा शिकायत की थाने में जाके? दोबारा बड़ी वैज्ञानिक हुई, रिविजन की थी। क्या कार्रवाई हुई थाने में? उनको पता होगा। आपको कुछ जानकारी नहीं है? आप उनके कौन हो? हम भाई हैं। आप उनके कितने भाई हैं? आपकी सिस्टर जो थी उनके कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? चार भाई। आप कौन से नंबर के हो? मैं तीसरे नंबर। तीसरे नंबर के हो। अब आप क्या चाहते हो? सजा चाहते हूँ। और फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही। और भी ताजा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।